देश में कोरोना का संकट चल रहा है, हर सेक्टर इससे जूझ रहा है। जूझ इससे एक ऐसा सेक्टर भी रहा है जो देश का भविष्य कहलाता है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। शिक्षा में लगातार कोरोना वायरस के चलते जिस तरीके से छुट्टियां चल रही है और दिन जो है लगातार कम होते चले जा रहे हैं। हमारे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी है। डोटासरा साहब, ये तो तय है कि समय लगातार कम होता जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी 30% अपना जो सिलेबस है वो कम करने की बात कही है। आप लोगों का क्या रहेगा? राजस्थान बोर्ड क्या कुछ करने जा रहा है? जो वर्किंग डे होते हैं उसी हिसाब से सिलेबस होता है और सिलेबस के हिसाब से वर्किंग डे फिक्स होते हैं। लेकिन इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण से हमारे जो पढ़ाने के डेज हैं वो निश्चित रूप से कम हो गए। एक महीना तो ये जुलाई का ही चला गया है, तो ऐसे में निश्चित रूप से बच्चे आगे का कोर्स पूरे जो शैक्षिक कैलेंडर होगा उसमें पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और RICRT को भेजा है कि आप लोग इसकी समीक्षा कीजिए कि कितने वर्किंग डे में कितना कोर्स किया जा सकता है, और अगर हम नहीं करा पाएंगे आगे के शैक्षिक कैलेंडर में तो फिर इसको कौन से भाग को कितना प्रतिशत घटाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी। CBSE में भी तब्दीलियों की बात कही जा रही है, क्या कुछ आप लोगों के पास संदेश आया, क्या कुछ चेंज हो रहा है? CBSE और मानव संसाधन मंत्रालय ने जो फैसला लिया है उसमें मोदी जी के सरकार की उनका जो चुनाव में एजेंडा होता है उसकी पोल खोल, तो वो चैप्टर बच्चों को पढ़ाने से अब कतराने लग गए हैं क्योंकि उनकी हकीकत पूरे देश की जनता जान चुकी है। सिलेबस में उन्होंने 30% कम किया है और कुछ समय जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या 30% से ज्यादा भी हमारे सिलेबस में कुछ कटौती हो सकती है? ये सब चीजें जो COVID-19 है उसके ऊपर निर्भर करता है। जो गाइडलाइन स्कूलें नहीं खोलने की जारी कर रहे हैं उसको स्टेट पे छोड़ना चाहिए और हर स्टेट की अपनी अलग अलग परिस्थिति है। आप समझ सकते हैं हमारे 10वीं और 12वीं में केवल बोर्ड की परीक्षा में 22.5 लाख बच्चे बैठे और पूरे देश में CBSE के बच्चे 30 लाख। तो इंदौर की जो परिस्थिति है, दिल्ली की जो परिस्थिति है, मुंबई की जो परिस्थिति है, हो सकता है राजस्थान की परिस्थिति नहीं हो। यहाँ ग्रामीण परिवेश का के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये स्टेट को देना चाहिए और स्टेट ये देखे कि हमको कब विद्यालय खोलने हैं, किन परिस्थितियों में खोलने हैं, कैसे संक्रमण से बचने के लिए क्या गाइडलाइन जारी करनी है। ये थे गोविंद डोटासरा जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि COVID-19 का असर था, 3 महीने सीधे तौर पर इनको नुकसान हुआ है, पढ़ाई नहीं हो पाई है अब तक। आगे क्या होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से समय कम हुआ है उसमें भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सिलेबस कम किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेटर लिखा जा चुका है, हालांकि कितना कम होगा ये आने वाला समय ही बताएगा।